जय श्री कृष्णा। कोई भी वृक्ष अपने टूटे हुए पुष्पों के लिए कभी भी शोक नहीं मनाता, बल्कि नए पुष्पों के आने के लिए आनंदित हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन से जब कुछ चला जाए तो हमें उसके लिए कभी भी दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आने वाली खुशियों के लिए खुद को वापस से पूरी ऊर्जा से भरकर तैयार कर लेना चाहिए। अब मैंने सोचा है कि रोज आपको एक सुविचार भी दिया करूंगी, ताकि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। और ये सब बताने वाली मैं कौन हूँ, पहले ये तो बताऊँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर कोई आपका दिल दुखा कर चला गया या किसी रिश्ते की वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, ऐसा कई बार होता है। हम किसी रिश्ते के चक्रव्यूह में कुछ इस तरीके से आ जाते हैं कि ना तो वो रिश्ता हमसे तोड़ा जाता है और ना ही हम उसके अंदर खुश रह पाते हैं। रिश्तों का मतलब ही होता है एक दूसरे को समझना, भरोसा करना, एक दूसरे के साथ चलना और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना। अजनबी भी राह पर चलते हुए किसी को चोट लग जाए तो पूछ ही लेता है, आप ठीक हो ना? तो हम अपने रिश्तों के लिए इससे ज़्यादा सेंसिटिव क्यों नहीं हो सकते? कैसे हमारे यहाँ पर कोई एक पर्सन रोता रहता है, परेशान होता है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता? क्यों ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमारी बातों से, हमारे कर्मों से, हमारे ही द्वारा किसी ना किसी तरह दुखी हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा दर्द में होते हैं कि उन्हें ना तो इस रिश्ते से प्यार रह जाता है और ना ही इस रिश्ते को तोड़ पाने की उनके अंदर हिम्मत होती है। ऐसा कोई रिश्ता या ऐसा कोई कार्मिक रिलेशनशिप आप भी अगर झेल रहे हो तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है जो आज मैं आपको सारथी महा उपाय में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर बताऊँगी। ज़रूरी बातों के पिटारों में पहली ज़रूरी बात यह है कि कभी भी हमें मंदिर में दीपक की बत्ती से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। कभी भी हमारे घर की पूजा को हमें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आप घर में जो भी प्रसाद या भोग लगाते हैं वो आप ईश्वर को लगाने के बाद अपने लिए थोड़ा सा निकाल कर लोगों में ज़रूर बांट दीजिए। प्रसाद जितना ज़्यादा बटेगा उसका उतना ही फल हमें प्राप्त होगा। जब भी आप पूजन करें, पूजन के बाद ईश्वर से अपने, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के भले के लिए एक प्रार्थना ज़रूर करें और साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद ज़रूर करें आपको ये जीवन देने के लिए और आपको एक मनुष्य रूप में अच्छे कर्म करवाने के लिए। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के अंदर कई बार ऐसी कश्मकश में आ जाते हैं जहां हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है, हम किस तरीके से इन चीज़ों को सही कर लें। जितना सुलझाने जाते हैं ये धागे उतने उलझ जाते हैं। तो अब इन धागों को सुलझाएं कैसे? तब हमें ईश्वर का दर नज़र आता है, तब हमें हम जैसे ज्योतिषी नज़र आते हैं। तब आपके लिए मैं कुछ ऐसे अच्छे उपाय लेकर आती रहती हूँ। जब जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा मंगल के साथ आपकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा में आएगा, यह आपके किसी एक रिश्ते की वजह से आपको पीड़ा ज़रूर देगा। जब जब भी राहु कुंडली के अंदर किसी ना किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो ये आपको रिश्तों में स्ट्रेस या रिश्तों से बहुत ज़्यादा टेंशन ज़रूर देगा। आपके रिश्ते जब भी आपको दुख देने लगें, दर्द देने लगें, तब आपको ये एक सरल सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। बुधवार के दिन आपको गणपति जी को स्मरण करके
3 इलायची अपने घर के मंदिर में रख देनी चाहिए और आपको बुधवार से एक मंत्र का जाप आरंभ करना चाहिए। और मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम गम गणपते नमः। अगर आप गणेश संकट स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। बुधवार से आपको ये पाठ चालू करना है और सोमवार तक आपको ये कार्य करना है। सोमवार को खीर बना लीजिए। ये जो इलायची आपने रखी थी ना, इसे कूट कर आप इस खीर में मिला दीजिए और फिर इसका भोग ले जाकर आप भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा दीजिए। जब आप ये कार्य करने जाएंगे और भोलेनाथ को जब आप भोग चढ़ाएंगे, तब आप वहाँ पर खड़े होकर अपने रिश्ते से, जिस वजह से आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, उसके बारे में भोलेनाथ के सामने ज़रूर बोल कर आएंगे। उस दर्द से, उस पीड़ा से वो आपको बाहर निकालें, उसके लिए आप उनसे प्रार्थना ज़रूर करेंगे। गणेश जी को चढ़ाई हुई ये 3 इलायची आपको बुद्धि देने का कार्य करेगी। गणेश जी को चढ़ाई हुई ये 3 इलायची और उनके सामने करे हुए जापों से आपके विघ्न दूर होंगे। और जब आप ये 3 इलायची खीर के साथ भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो ये आपके पिछले कर्म से आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये उपाय से आपके कर्म कटेंगे और कहीं ना कहीं जिस वजह से आपको दर्द और दुख मिल रहा है वो दूर हो जाएगा। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी मेरी जान। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।